असेंबली की, जहां गुजश्ता इजलास में बॉलीवुड सितारों की आमद की बाजगश्त आज भी ऐवान में सुनाई दी। ऐवान में अवामी मसाइल हल करने की बजाय भारतीय टीवी शो देखने वाले सिंध के वजीर तालीम पीर मजरूल्लाह अपोजिशन की तनकीद पर नाराज हो गए। जियो न्यूज ने सिंध असेंबली में बॉलीवुड सितारों की आमद और अरकान असेंबली को मोबाइल फोन और इंटरनेट पैकेजेस से फायदा उठाते हुए क्या दिखाया कि आज बजट इजलास शुरू हुआ। अंदर वो डांस की वीडियो देख रहे थे सर, तो रुपए पैसों से ज्यादा जिस बात पर बहस की गई वो थी सीनियर वजीर पीर मजहरुल हक की यूट्यूब में दिलचस्पी। तुमने अवंतिका को कभी अपनी पहली बीवी के बारे में? वैसे पीर साहब वजीर कानून अयाज सोमरो के साथ बैठकर कानून की धज्जियां उड़ा किस तरह रहे थे, एक बार फिर देखें। ने अवंतिका को कभी अपनी पहली बीवी के बारे में? मेरा दिल रोने को कर रहा था सर। खातून रुकने असेंबली मारवी राजदी ने सिंध के सीनियर सूबाई वजीर को असेंबली में बैठकर भारतीय चोटे देखने पर खूब लताड़ा। अफसोस तब होता है जब एक प्राइवेट चैनल पे मैंने देखा तो यकीनन मेरा दिल रोने को कर रहा था सर के एजुकेशन मिनिस्टर को दिखाया गया कि वो फराह खान की फिल्म अंदर हाउस के अंदर वो डांस की वीडियो देख रहे थे सर, क्या ये अफसोस का मकाम नहीं है? मारवी राजदी की जानिब से इस बात का लुकमा देना क्या था कि ऐवान का माहौल जाफरानी हो गया, कोई खिलखिलाकर तो कोई खिसियानी हंसी हंसने लगा। लेकिन पीर साहब जाहो जलाल में आ गए। मुझे एक बात का सारी जिंदगी अफसोस रहेगा कि मैं ऐसी असेंबली में आया हूं जहां कुछ ऐसे बच्चे आ गए हैं जिनको नहीं, वो मेंबर है सर, बच्चे नहीं है। नहीं, मैं अगर उनको बात करने की तमीज भी नहीं है। चोरी और सीना जोरी तो सुना था लेकिन देखना टोटे और दूसरों को कहना खोटे शायद अब कोई नई मिसाल बन जाएगी। ने अवंतिका को कभी अपनी पहली बीवी के बारे में?